एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर फीलिंग फाइन। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय आजियो जैकेट्स हॉल। तो जो सारी जैकेट्स मैंने आजियो से ली हैं बहुत ही यूनिक हैं, ऐसी हैं जो आपको कॉमनली नहीं मिलेंगी, बहुत स्टाइलिश हैं एंड ऑल्सो दे विल नॉट बर्न अ होल इन योर पॉकेट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड देन प्लीज डू, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट जैकेट दैट आई गॉट इज समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, बट फ्रैंकली मुझे कहीं ज्यादा मिल नहीं रही थी, और अगर मिल रही थी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और इतना मैं नहीं खर्चना चाह रही थी इस पे, एंड दैट इज दिस ब्यूटिफुल कॉर्डरॉय जैकेट। सो गाइज, एक टाइम है मुझे याद है जब मैं छोटी थी, आई वॉज इन स्कूल आई थिंक, उस टाइम ना कॉर्डरॉय का बहुत फैशन चलता था और कॉर्डरॉय की जीन्स, कॉर्डरॉय की पैंट सब आती थी, बट एंड अब दोबारा से वो फैशन आने लग गया है। आई गॉट दिस वेरी नाइस क्वालिटी प्रीमियम कॉर्डरॉय जैकेट। सबसे पहली बात, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज अ ब्यूटिफुल बेबी ब्लू कलर विच इज लुकिंग सो स्टनिंग एंड इट विल लुक सो नाइस इन द डे टाइम और इवन इन द नाइट टाइम। इसकी कॉर्डरॉय की क्वालिटी अगर बात करें गाइस, तो बहुत अच्छी प्रीमियम कॉर्डरॉय क्वालिटी है, ऐसे लोकल चीप टाइप के लिए द क्वालिटी इज रियली रियली गुड। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फायर रोल एंड मैंने फायर रोल का एक्चुअली काफी विंटर वेयर अब ट्राई कर लिया है एंड देयर क्वालिटी इज रियली नाइस एंड द कलेक्शन इज सुपर सुपर स्टाइलिश, वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ Shein। This one is a cropped corduroy jacket and इसके ऊपर इस तरीके के बटन, सिल्वर बटन की डिटेलिंग है, पॉकेट्स दी हुई है दोनों साइड पे एंड ये जो पॉकेट्स हैं ये एक्चुअल पॉकेट्स हैं, मतलब यू कैन कीप स्टफ इन देम। मतलब यूजली क्या होता है ना, ये नकली बना देते हैं, बट दीज आर रियल पॉकेट्स एंड आगे भी इसके इस तरीके की सिल्वर कलर के बटन से डिटेलिंग दी, जो डेनिम्स में जीन्स में बटन लगता है ना सिल्वर वाला, वो वाला लगा है, विच इज लुकिंग वेरी नाइस। इसकी लेंथ जो है वो क्रॉप्ड लेंथ है, सो ये बहुत ही ऐसे फिटिंग में नहीं आती है, थोड़ी सी ओवरसाइज लूज आती है। अगर आप चाहो तो और बड़ा साइज ले सकते हो तो फिर ये और अच्छी ओवरसाइज आएगी। मैंने इसमें साइज लिया था स्मॉल तो मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है। इसकी स्लीव्स की लेंथ मुझे इतनी आ रही है, आई थिंक मैं मीडियम अगर लूंगी तो थोड़ी और अच्छी ऐसे ओवरसाइज से आएगी। आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ बिगर साइज ऑफ दिस वन, बिकॉज अगर आप इसको लेयरिंग की तरह यूज करना चाहते हो, इसके अंदर कुछ पहनना चाहते हो, तो थोड़ा सा जैकेट बड़ा होना चाहिए ताकि अंदर आप कुछ थिकर भी पहन सकते हो अगर आप थोड़ा सा और कोल्डर वेदर में इसको पहनना चाहते हो। सो कॉर्डरॉय जैकेट्स आर नॉट वेरी वेरी वार्म, आप इनको एज इट इज नहीं पहन सकते हो इन वेरी कोल्ड वेदर, आपको इसके नीचे स्वेटर या कुछ थिकर पहनना पड़ेगा, बट लेयरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है बिकॉज बहुत मोटी नहीं होती है, बहुत हैवी नहीं होती है एंड बहुत स्टाइलिश भी लगती है। दे काइंड ऑफ लुक लाइक शैकेट्स ऑल्सो, बट ओवरऑल मुझे तो गाइस बहुत अच्छा, बहुत ही स्टाइलिश पीस लगा। इसका प्राइस 800 रुपीज था, बट आई थिंक 800 रुपीज के हिसाब से बहुत सही है बिकॉज मैंने कोई भी कॉर्डरॉय जैकेट ना इस प्राइस में नहीं देखी। ज़ारा, H&M में मिलती है 1500-2000 की, तो 800 रुपीज की अगर ये मिल रही है इन दिस क्वालिटी, आई थिंक इट इज रियली रियली नाइस। द नेक्स्ट जैकेट दैट आई गॉट इज दिस ब्यूटिफुल टेडी कोट दैट आई एम वेयरिंग। सो यूजली आपने देखे होंगे ओवर कोट्स और अलग से टेडी जैकेट, बट दिस इज अ टेडी कोट, मतलब ये टेडी वाला फैब्रिक है एंड उसमें ये पूरा कोट गाइज है, इट्स अ लॉन्ग कोट एंड इट इज सो स्टनिंग, सच अ डिफरेंट पीस। आई हैव एक्चुअली सीन बाहर के कॉन्टेंट क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा ये वाले जो टेडी कोट्स होते हैं ना स्टाइल करते हुए देखा है, बट ये मैंने मार्केट में इतना नहीं देखा है टेडी कोट, बट आज पे मैंने देखा है, रियली रियली लाइक इट, आई फाउंड इट रियली यूनिक, वेरी स्टाइलिश एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ टेडी कोट सो इट इज सुपर कोजी, सुपर वार्म एंड वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल टू वेयर। Personally love love soft and comfortable clothing, so ये इतना soft और इतना comfortable है ना, इसको पहन के मैं सो सकती हूँ, इसको मैं घर में भी पहन सकती हूँ, इसको मैं बाहर भी पहन सकती हूँ, ये आप इसको casually भी style कर सकते हो और आप इसको बिल्कुल एकदम party wear भी बना सकते हो। बहुत ही stylish, बहुत ही comfortable, बहुत ही evergreen और बहुत ही usable piece लगा मुझे ये। This one I got from the brand Fig, so Fig जो है वो आजियो का अपना ही brand है and Fig, Team Spirit, Rio, ये सारे इनके अपने खुद के ब्रांड्स हैं जो आपको रिलायंस ट्रेंड्स में भी मिल जाएंगे। सो आई थिंक ये वाला जो पीस है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और रिलायंस ट्रेंड्स में भी मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली रिलायंस ट्रेंड्स में इतना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसके ऊपर। सो ये वाला गाइस, इसका ओरिजिनल एमआरपी लेट मी सी कितना था,
So, इसका ओरिजिनल एमआरपी है 2299 और इस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं था बिकॉज दिस इज इन द न्यू कलेक्शन. सो ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला 1000 रुपीज का. अगर आपको और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है तो आप तब ले लेना, अभी विशलिस्ट कर लो और तब ले लेना. बट मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा ये. अगर आप एक अच्छा सा कंफर्टेबल सा लॉन्ग कोट चाहते हो, बिकॉज जो लॉन्ग कोट्स होते हैं ना बिल्कुल थोड़े से स्टिफ से होते हैं, हैवी से होते हैं, बट ये एकदम लाइट वेट है, एकदम कंफर्टेबल है और लॉन्ग कोट की फील भी दे रहा है. मैंने साइज लिया था स्मॉल एंड स्मॉल मुझे एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है. अगर मैं मीडियम भी ले लूंगी ना तो मीडियम भी मुझे और बढ़िया फिट होगा, थोड़ा सा और लूज आ जाएगा बट मीडियम विल ऑल्सो फिट मी फाइन बिकॉज आई पर्सनली लाइक लूज इन बैगी क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे फील सो कम्फर्टेबल. द नेक्स्ट पीस दैट आई गॉट इज अ स्वेटर जैकेट. सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल लुकिंग केबल निट लैवेंडर कलर, लाइलैक कलर स्वेटर जैकेट. सो ये स्वेटर मटेरियल है एज यू कैन सी एंड इसके ऊपर केबल निट वाला डिजाइन. दिस इज प्रॉपर वो जो बुनी हुई स्वेटर होती है ना, ये वो वाली. बट मुझे आई डोंट नो ये हाथ से बुनी है या ये मशीन होता है, आई डोंट नो, बट ये वो वुल वाली, प्रॉपर वुल वाली स्वेटर है. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कीप यू वेरी वेरी वार्म. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय इट फॉर लाइक गुड विंटर, सो आप ये ले सकते हो. सो इसका जो डिजाइन है वो बेसिकली इसके आगे गाइज जिपर लगा हुआ है. यू सी दिस इज अ जिपर जो इसके आगे लगा हुआ है. सो अगर आप चाहते हो तो आप इसको बंद करके पहन लो, या फिर अगर आप चाहते हो तो खोल के पहन लो, जैकेट की तरह पहन लो इसको. है ना, ये थोड़ी सी ऐसे फिटिंग में आती है, मतलब मैंने इसमें साइज लिया है स्मॉल एंड ये मुझे अच्छा फिटिंग में आ रहा है. इसकी स्लीव जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग इन्होंने स्लीव्स बनाई है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्लीव्स इन विंटर्स. मुझे बहुत अच्छी ऐसे लॉन्ग स्लीव्स यहां यहां तक आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसमें ऐसी ही है. इसका प्राइस गाइज ये मुझे पड़ी थी 600 रुपीज समथिंग आफ्टर डिस्काउंट एंड इसमें मैंने जो साइज लिया था वो था स्मॉल एंड इसका जो ब्रांड है वो है टीम स्पिरिट. सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेयरेबल, बहुत ही वार्म, एकदम कंफर्टेबल पीस है. इसका जो वुल भी है वो ऐसे चुभने वाला वुल नहीं है, अच्छा सॉफ्ट वुल है, बहुत ही कंफर्टेबल है, कोजी है. बिकॉज मुझे पर्सनली चुभने वाले कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते विंटर्स में, बिकॉज मुझे ना बहुत ही इचिंग होने लगती है अपनी स्किन के ऊपर. सो ये काफी कंफर्टेबल है. इसके ऊपर इन्होंने ये ए बनाया हुआ है, सो ये बेसिकली चिपकाया ही हुआ है बट इसके ऊपर भी ऐसे वुल सा लगाया है, ऐसे व्हाइट कलर की इन्होंने डिटेलिंग की है एंड यहाँ पे स्लीव्स पे भी डिटेलिंग है ऐसे व्हाइट कलर की, नीचे भी डिटेलिंग है. सो इट्स बेसिकली अ स्वेटर बट इट हैज अ काइंड ऑफ दैट वर्सिटी जैकेट, स्पोर्ट्स जैकेट काइंड ऑफ लुक. सो ओवरऑल बहुत ही डिफरेंस ही लगी मुझे एंड काफी अच्छी लगी. सो गाइस द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट इज अ कॉर्डरॉय जैकेट अगेन, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे. वो क्रॉप्ड वाली थी, ये क्रॉप्ड नहीं है, ये अच्छे फुल लेंथ जो होती है एक जैकेट के, ये उस लेंथ की. ये थोड़ी सी और बैगी है एंड थोड़ी सी और ये ड्रॉप शोल्डर है एंड इसमें जो डिटेलिंग्स दी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. उसमें जैसे कि वो सिल्वर कलर का बटन लगा था ना जीन्स वाला, इसमें वो वाला नहीं लगा है. इसमें इस तरीके के ये जो बटन्स होते हैं जो स्वेटर्स में लगते हैं ना, वो वाले बटन्स लगे हैं एंड इसके अंदर ये वाली पॉकेट है, ऐसे डालने वाली पॉकेट दी है इसके अंदर. सो इसका कलर भी गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई लव लव न्यूट्रल कलर्स, चाहे विंटर हो या समर हो. ऐसे जो बेज और न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ऐसे कलर्स के साथ ना आप मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हो. नाइस न्यूड लिपस्टिक, अच्छा सा ग्लॉसी सा बेज कर सकते हो, आईलाइनर लगा सकते हो. सो आई लव न्यूड कलर्स. तो मैंने जब इसको खरीदा ना तो मैंने तो ये भी अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं इसको स्टाइल कैसे करूंगी. सो मैं आपको बता देती हूँ. सो ये मैं पहनने वाली हूँ, इसके साथ मैं पहनूंगी अंदर एक ब्लैक कलर का स्वेटर या फिर नाइस फिटेड टॉप एंड नीचे ब्लैक कलर की फर लेगिंग्स जो होती है जिनके अंदर फर लाइनिंग लगी होती है एंड उसके नीचे कॉम्बैट बूट्स. बहुत अच्छा, बहुत स्टाइलिश, बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट बनेगा ये. सो गाइज दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड फायर रोज, जो वो पहले वाला ब्रांड था वही, उसी ब्रांड से मैंने लिया है एंड इसका जो साइज मैंने लिया है वो है स्मॉल. अगर आपको क्रॉप पसंद है तो आप वो वाली ले सकते हो. अगर आपको क्रॉप जैकेट्स नहीं पसंद, अगर आपको थोड़ी सी फुल लेंथ वाली पसंद है तो आप ये ले सकते हो. मैंने स्मॉल साइज जो मुझे परफेक्ट आ रहा है, अगर मैं मीडियम लूंगी तो थोड़ा सा और ज्यादा बैगी आएगा. सो गाइज इस वाली का जो प्राइस था वो था 800 रुपीज. इसमें और भी कलर्स थे, आई थिंक रेड सा पिंकिश सा कुछ कलर था बट मुझे ये बेज कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ये लिया बिकॉज बेज कलर्स ना बहुत चीजों के साथ जाते हैं, बहुत यूजेबल होते हैं. सो आई गॉट दिस वन एंड आई रियली रियली लव इट. सो गाइज दिस वर ऑल द ब्यूटिफुल एंड यूनिक जैकेट्स दैट आई गॉट एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा. अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो. आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है या फिर सिंपली प्रीत इन द कॉर सर्च कर लेना, मैं आपको मिल जाऊंगी. आप और किस टाइप का कॉन्टेंट मेरे चैनल पर देखना चाहते हो, किस टाइप की वीडियोज देखना चाहते हो, डेफिनेटली सजेशन
मुझे दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी, पर्सनली मैसेज करके भी, बिकॉज योर सजेशंस, योर कमेंट्स रियली रियली मैटर टू मी। ऑल्सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड, एंड वीडियो में अभी तक मेरे साथ अगर बने हुए हो, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।